करी अपील। कोरोना को लेकर कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हमला, कांग्रेस प्रवक्ता ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा चुनाव जीवी पीएम की वजह से हुई ऐसी हालत। बिहार में बढ़ते कोरोना के मामलों को देख पप्पू यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सरकार पर साधा सीधा निशाना, सरकारी अस्पतालों को आर्मी के हवाले करने की रखी मांग। और मुजफ्फरपुर डीएम ने एसकेएमसीएच की व्यवस्थाओं का लिया जायजा, अधीक्षक और चिकित्सकों के साथ की बैठक, अधीक्षक बोले जल्द बढ़ाए जाएंगे बेड। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है, आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। तो बिहार में कोरोना वायरस ने हर तरफ यहां पर कोहराम मचाया हुआ है। पिछले तीन दिनों से लगातार सूबे में 12,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। इस महामारी से मरने वालों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। सूबे में कोरोना से हर तरफ त्राहिमान के बीच सीएम नीतीश कुमार आज उच्च स्तरीय बैठक यहां पर करने के लिए पहुंचे। साथ ही सीएम ने यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। बैठक में ऑक्सीजन की आपूर्ति से लेकर टेस्टिंग को बढ़ाने को लेकर भी चर्चा की गई। इस बैठक में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। नीतीश ने बैठक के माध्यम से लोगों से सतर्क रहने की यहां पर अपील की है। कोरोना पर सीएम नीतीश की इस बैठक के बाद यहां पर कई तरह की जो अटकलें लॉकडाउन को लेकर लगाई जा रही थी वो यहां पर खत्म होती भी नजर आई। लॉकडाउन को लेकर किसी तरह से कोई चर्चा नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात है लगातार जिस तरीके से लॉकडाउन को लेकर यहां उम्मीद लगाई जा रही थी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बिहार में केस बढ़ रहे हैं वो अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। मुख्यमंत्री ने हर हाल में ऑक्सीजन की आपूर्ति करनी है ये कहा है। दवा के साथ साथ ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता रखी जाएगी ताकि मरीजों को किसी तरह की कोई समस्या ना हो। इसके साथ ही उनका एक मुख्य बिंदु सरकारी या निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति की जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए हर जरूरी कदम यहां पर उठाए जाएंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हर एक पहलू पर गंभीरतापूर्वक विचार करें और परिस्थिति के अनुसार जरूरी कदम उठाएं। ये कुछ बिंदु हम आपको बता रहे हैं। कोरोना जांच की संख्या बढ़ाने के साथ साथ जांच की रिपोर्ट जल्द उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, यह भी एक मुख्य बिंदु है। संचार के अन्य माध्यमों से साथ साथ माइकिंग के द्वारा गांव-गांव तक कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को सतर्क और सजग करने के लिए निरंतर अभियान चलाया जाए। इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीधे हमारे संवाददाता कुमार गौतम पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार गौतम से सीधा सवाल, गौतम जिस तरीके से हाई लेवल मीटिंग ये खत्म हुई है, इस मीटिंग में कई तरह की चर्चा हुई है, क्या कुछ इस पूरी बैठक में हुआ है, क्या कुछ चर्चा हुई है, और साथ ही लॉकडाउन को लेकर एक असमंजस की स्थिति थी उस पर क्या कुछ चर्चा हुई है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अचानक से मुख्यमंत्री ने बिहार के बढ़ते कोरोना के आंकड़े को समझा और कोरोना का जो कहर है उसको उससे कैसे निपटा जाए, अब उसके लिए मुख्यमंत्री का ने जिस तरह से एक्शन दिखाया है ये बहुत ही जरूरी था। और मुख्यमंत्री ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है, जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें साफ तौर पर है कि किसी कीमत पर, यानी कि एट एनी कॉस्ट काम करना है चाहे जैसे भी हो, और ये स्वास्थ्य सेवाओं में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, चाहे मरीजों की तादाद जितनी भी हो। दूसरा, उन्होंने एकदम स्वास्थ्य सेवा के साथ साथ आम लोगों को भी सजेस्ट किया है, आम लोगों से भी अपील की है कि इस कोरोना के समय किसी भी तरीके से पैनिक ना हो, आप अपने आप को सुरक्षित रखें और अपने समाज में यदि कोई मरीज है तो उसको इस तमाम जो सुविधाएँ हैं, स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं वो मिलेगी। इसके साथ ही ये बैठक और लंबी चलनी थी लेकिन 45 मिनट के अंदर मुख्यमंत्री ने अपनी बात कही है तमाम जिला अधिकारियों से, इसके अलावा जो उनके जो पदाधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम से, दवाओं की किल्लत नहीं होगी, कालाबाजारी पर रोक लगानी होगी, इन तमाम चीज़ों पर बात की है। और पॉइंट वाइज जो विज्ञप्ति में जो रिलीज जारी किया गया मुख्यमंत्री की तरफ से वो पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। इन तमाम चीज़ों में एक बड़ी चीज वो दिखती है, वो है मुख्यमंत्री का एक्शन। एक्शन इसलिए क्योंकि 45 मिनट के अंदर वो बैठक खत्म करते हैं और उसके बाद सीधा वो सड़कों पर निकल जाते हैं गाड़ी से बैठकर, और वो चले जाते हैं डाकबंगला चौराहा से होते हुए दिनकर
गोलंबर और पूरे राजेंद्र नगर का हाल जानने के लिए कि आखिर कैसे अब आने वाले समय में 500 वेट की व्यवस्थाएं होगी, मेदांता का निरीक्षण किया, जायजा लिया, इसके अलावा कोरोना के जो तमाम जो अस्पताल हैं उसकी मॉनिटरिंग वो खुद कर रहे हैं अब, यानी कि अब मुख्यमंत्री ने कमान संभाल ली है। हालांकि दिशा निर्देश वो पहले भी देते रहे हैं, हर बार उन्होंने हाई लेवल मीटिंग की है, लेकिन ऐसा अंदाज पहली बार देखने को मिला है कि मुख्यमंत्री अब सड़कों पर, ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अब सड़कों पर उतर गए, ऐसा पहली बार मौका है। और अब लगता है कि तमाम अधिकारियों, चलिए गौतम हमारे साथ यहाँ पर आरजेडी नेता विजय प्रकाश जी भी जुड़ गए हैं, विजय प्रकाश जी से भी बात करेंगे चर्चा में। विजय प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। जी विजय जी, आपसे मेरा सवाल, जिस तरीके से कोरोना महामारी का एक संकट चल रहा है इस वक्त लोगों के ऊपर, तमाम राज्य इससे परेशान है और इससे उभरने के लिए यहाँ पर लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से हाई लेवल मीटिंग हुई है और इस हाई लेवल मीटिंग में तमाम तरीके के निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी, तमाम यहाँ पर अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी ताकि लोगों को परेशानी ना हो, लोगों को बेड भी मिलेगा। इसके साथ उन्होंने अपील की है कि लोग मास्क खुद यहाँ पर लगाएं, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो खुद अब इसकी पूरी मॉनिटरिंग करेंगे। क्या कहेंगे इस पर? देखिए यह दुर्भाग्य है, हम अच्छी बात पहल किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो अच्छी बात है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि देर से, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जब महामारी का जो है प्रकाष्ठा पर है तब इनका नींद टूटा है, इसके लिए भी तो कम से कम आज 20 दिनों के बाद पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री रोड पर जो है सैर सपाटा के लिए निकले, एक भी हॉस्पिटल नहीं गए, एक भी क्वारंटीन सेंटर नहीं गए, एक भी जगह नहीं गए। आज आपके माध्यम से सुनने को मिल रहा है कि ऑक्सीजन के बारे में बताया, तो इतने दिनों से ऑक्सीजन का व्यवस्था आप क्यों नहीं किया? आपने बताया कि जो है दवा का व्यवस्था जो है काला बाजारी नहीं होगा, तो काला बाजारी पर आप एक साल से कोरोना के कहर पर जो है आपने कितने बार लोगों से बात किया? आपने जो है काला बाजारी पर रोकथाम क्यों नहीं लगाने का काम किया? आज जब एक दवा रेमडेसिविर जो है 3,000 का 1,00,000 में बिक रहा है, तब आप कह रहे हैं जिसका कि कोई महत्व नहीं है, उस दवा को सभी डॉक्टर एम्स से लेकर जो है पटना के डॉक्टरों ने मना कर दिया है, उस दवा को फिर आप 14,00,000 जो है मंगाने का काम कर रहे हैं। आप सही से आप अपने पदाधिकारी से काम लेना क्यों नहीं जानते हैं, क्यों नहीं चाहते हैं? और जब व्यवस्था खराब हो जाता है तब आज जो है लाश का लाइन लग गया है, आज सुशासन जो है ध्वस्त हो गया है, आज बजबजाता हुआ जो है महक रहा है, 4 दिनों से 4 गो लाश पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है, स्टेशन पर जो है लाश पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई जो है जलाने वाला नहीं है, लाश घसीट के ले जाया जा रहा है औरंगाबाद में, कोई आपका उठाने वाला नहीं है, एक एक जो है एम्बुलेंस वाले जो है 20,000 रुपया लोगों से लेने का काम कर रहा है, या कब ऐसा व्यवस्था चरमराया हुआ व्यवस्था में सुधार आएगा? हम तो कहते हैं हम लोगों को राजनीति नहीं करना है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आप कुर्सी पर बैठे हैं, आप इसको 13 करोड़ बिहार के मतदाता लोगों को मालिकों को कैसे सुरक्षित रखिएगा, कैसे संक्रमण से बचाएगा, इसका उपाय आप क्यों ने पहले से ढूंढे? आज आप कहते हैं ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे, भोज के समय कोहरा रोकने का काम कर रहे हैं, यह कैसा है? आप क्या कर रहे थे 15 सालों से? क्या विधि व्यवस्था है, क्या आपने किया? डॉक्टर की बहाली आज आप करना चाह रहे हैं, आप आज आप डॉक्टर की बहाली, 60% डॉक्टर नहीं है, 85% नर्सेज हमारे यहाँ नहीं है, हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं है, दवाई जो है साधारण से साधारण दवाई नहीं मिल रहा है, ये आप क्यों ऐसा व्यवस्था किए? आज भी सुधार दीजिए और आज भी सुधर जाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी जो रोड पर घूम रहे हैं उनको एक एक हॉस्पिटल जाना चाहिए, हॉस्पिटल जाकर वहां व्यवस्था को व्यवस्थित करना चाहिए, ये विनती है हमारी, ये बिहार के मालिकों का विनती है कि आपको हम लोगों ने कुर्सी पर बैठाया है देख रेख के लिए, इसलिए आप हॉस्पिटल जाइए। आज बीटा का क्या स्थिति है, बीटा में उतना बड़ा जो है हॉस्पिटल खुला हुआ है, अभी तक उसको क्यों नहीं चालू किया गया, ये बताने का काम करें? मुजफ्फरपुर में उतनी बड़ी हॉस्पिटल है, उसको क्यों नहीं चालू किया गया, ये बतावे? आज पीएमसीएच के एनएमसीएच के डॉक्टर डायरेक्टर लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, 1 घंटा के बाद ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, यह स्थिति क्यों पड़ा हुआ है? आज कह रहे हैं कि हम बाहर से ऑक्सीजन मंगा रहे हैं 1,94,000 मेट्रिक टन, कब आएगा? आप यहाँ व्यवस्था क्यों नहीं किए हुए थे?
बिल्कुल, यहाँ पर विजय जी जिस तरीके की स्थिति का सामना, विजय जी जिस तरीके की स्थिति का सामना इस वक्त कर रहे हैं लोग बिहार में, लगातार अगर मैं बात करूं तो सूबे में 12,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस यहाँ लगातार आ रहे हैं, ऐसे में सवाल उठता है प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर, कि आखिर क्यों अभी तक यहाँ पर तमाम सुविधाएं लोगों को नहीं दी जा रही है। ऑक्सीजन खत्म हो गया है सर, कई अस्पतालों में ऑक्सीजन ना होने की वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं, लोग रो रहे हैं, भिलक रहे हैं, चीख पुकार मचा रहे हैं और सवाल सरकार पर उठा रहे हैं सर। आवाज नहीं आ रही है विजय जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? विजय जी जिस तरीके से लगातार अगर बात करें, सूबे में 12,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस अभी तक आ चुके हैं, लगातार सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तमाम सुविधा लोगों को दी जा रही है, आज भी हाई लेवल मीटिंग हुई है और आज भी यही कहा गया है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी, लोगों से अपील की जा रही है कि आप मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करिए, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। लेकिन अगर तस्वीरों की मैं बात कर लूँ तो आए दिन हम खबरों में वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ही नहीं किया जा रहा है, ऐसे में सवाल उठता है सरकार पर, प्रशासन पर, कि आखिर कहां कमी रह गई है सिस्टम में। देखिए सिस्टम कोलैप्स कर चुका है बिहार का नहीं बल्कि पूरे देश का, जो नौटंकी और नाटक माननीय प्रधानमंत्री जी करने का काम किया, दीपक के जगह पर आज लाश जल रहा है, थाली के जगह लोग छाती पीट रहे हैं, स्वच्छ भारत के जगह शमशान भारत बन चुका है, मोदी है तो मुमकिन है के जगह पर जो है मोदी मौत बन चुका है, ये बढ़ता बिहार जापान से आगे यही स्थिति है कि आज जो है ऑक्सीजन नहीं, आज कहीं कुछ है ही नहीं, कोलैप्स कर चुका है। आज जो है हाई लेवल की मीटिंग की है तो मीटिंग का फलाफल क्या निकला, कितने ऑक्सीजन आया हुआ है जो कि दिए हैं, सब जगह बताने का काम करें कि NMCH को कितना हॉस्पिटल हम ऑक्सीजन देने का काम किए हैं, PMCH को कितना ऑक्सीजन देने का काम किया, प्राइवेट हॉस्पिटलों को जिसको हमने जो है अपने अंडर टेकिंग किया है उसको मैं कितने देने का काम किया, ये सब तो बताने का काम करें, तब न होता है कि हाई लेवल का मीटिंग, हाई लेवल का मीटिंग करके रोड पर सैर सपाटा के लिए निकल चुके हैं और तो कोई काम बचा नहीं है, और तो कोई काम हो नहीं रहा है बिहार में। बिहार में ये बतावें कि कितने डॉक्टर हैं, डॉक्टर्स देख नहीं रहे हैं लोगों को, क्या कारण है कि डॉक्टर्स देख नहीं रहे हैं। हम आज से कई दिन पहले बताए थे कि सभी जगह जो है उच्च पदाधिकारी को आप बैठा देने का काम कीजिए उनके निगरानी में, लेकिन कभी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई कहीं कुछ है ही नहीं। और जहां तक आप 12,000 लोगों के बारे में बोल रहे हैं संक्रमण से पॉजिटिव हुआ है, ये सही माने में RT-PCR से जांच किया जाएगा तो आपको लाखों में निकलेगा, ये RT-PCR का जांच नहीं हो रहा है। आज दुर्भाग्य है कि बिहार में RT-PCR का सेंटर मात्र जो है मशीन मात्र 8 है और दो भारत सरकार का है 10 है, जबकि इतनी बड़ी आबादी में, वही हरियाणा चले जाइए हरियाणा में 19 है, दिल्ली में चले जाइए दिल्ली में 35 है, अन्य राज्यों में जो केरल ऐसे जगह में जाइएगा तो वहां जो है 98 को है, लेकिन बिहार में आज 8 है। क्यों, कहां थे मुख्यमंत्री जी 15 सालों से, एक साल से कोरोना का कहर जो है लोगों पर जो है मंडरा रहा है। विजय जी हमारे साथ, विजय जी रोकना चाहूंगी यहाँ आपको, हमारे साथ विनोद शर्मा बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं इस पूरी चर्चा में, सवाल मेरा उन्हीं से होगा। विनोद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका VIP न्यूज पर। सर जी नमस्कार। विनोद जी हाई लेवल मीटिंग खत्म हो चुकी है मुख्यमंत्री जी की, उनका ये कहना है कि अब यहाँ पर किसी तरह से कोई परेशानी नहीं आएगी, ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी, इसके साथ ही लोगों से उन्होंने अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, साथ ही उन्होंने लोगों को ये यहाँ पर आश्वासन देते हुए नजर आए हैं कि आने वाले समय में ऑक्सीजन की कोई कमी बिहार में नहीं होगी। लेकिन अगर हालातों की बात कर ले और आंकड़ों की बात कर ले सर, तो लगातार अगर हम बात करें तो हर रोज 12,000 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। देखिए निश्चित रूप से बहुत ही चिंता का विषय है कि हम चाह कर भी, हमारी सरकार चाह कर भी जो संक्रमण का रेट है उसको कम नहीं कर पा रहे हैं। संक्रमण का रेट उसी रफ्तार से बढ़ते जा रहा है, इसीलिए सरकार की भी परेशानी बढ़ी है। सरकार ने निश्चित रूप से सारी सुविधाएं व्यवस्था की है, हर संभव प्रयास किया जा रहा है, मुख्यमंत्री और नीचे जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं लगातार 24 घंटे काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स नर्सेज काम कर रहे हैं, लेकिन आम जनता उसमें सहयोग नहीं कर पा रही है। ऐसा लगता है कि डर अभी खत्म हो चुका है लोगों का, वो
अगर सब लोग मिलजुल करके प्रयास करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सरकार के गाइडलाइन का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से रेट घटेगा और सरकार का भी दबाव घटेगा और सब हर व्यक्ति को हर सुविधा मुहैया हो जाएगी। क्योंकि हम करते हैं 100 लोगों का व्यवस्था, दूसरे दिन 400 लोग आ जाते हैं, तो समस्या यहाँ आ रही है। सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, सरकार ने हर संभव व्यवस्था की है, हॉस्पिटल की संख्या बढ़ाई, बेड की संख्या बढ़ाई है, प्राइवेट लेकिन विनोद जी, अगर यहाँ पर ये सवाल मैं आपसे करूँ, लगातार जो आप बात कह रहे हैं कि यहाँ पर बेडों की संख्या बढ़ाई गई है, अगर बेडों की संख्या बढ़ा दी गई है तो सर आज अस्पतालों से लोगों को वापस क्यों भेज दिया जा रहा है? तमाम अस्पतालों की अगर मैं बात कर लूँ तो तमाम अस्पतालों के बाहर बोर्ड लगा दिया जाता है कि यहाँ पर बेड नहीं है, नो बेड। अगर बेड वहाँ पर है तो ये बोर्ड क्यों लगाया जा रहा है सर? मैं अभी तो आपको बताया कि सरकार अगर 500 बेड की व्यवस्था की है और तब तक 2000 लोग सामने खड़ा हो जा रहे हैं, अगर 2000 बेड की हम व्यवस्था कर लेते हैं तब तक 2000 और एक्स्ट्रा आ जा रहे हैं, तो जो संक्रमण का रेट है वो नहीं घट पा रहा है, जिसके कारण परेशानी आ रही है। तो आम जनता को जागृत होना होगा। हमारे साथ यहाँ पर आरजेडी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, विजय प्रकाश जी, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जी विजय जी, नहीं, हम पूछना चाहते हैं, विनोद जी बैठे हुए हैं, बतावें कि कितने बेड का एक्स्ट्रा व्यवस्था आप करने का काम किए हैं, कौन कौन सा जगह चिन्हित करके बताने का काम कीजिए कि, और कितने ऑक्सीजन अभी तक आप ला चुके हैं और कितने ऑक्सीजन जो है आप कौन कौन सा हॉस्पिटल को देने का काम किए हैं। एनएमसीएच के क्यों डायरेक्टर आज बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन का खत्म हो चुका है, एक घंटा के लिए मात्र ऑक्सीजन बचा हुआ है। एम्स जो है आपको जो है बताने का काम कर रहा है, पीएमसीएच में जो है मरीज को लेने का नहीं काम किया जा रहा है, एनएमसीएच में नहीं लेने का काम किया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में नहीं लेने का काम किया जा रहा है, आप बिहटा में जो 500 हॉस्पिटल का जो व्यवस्था था उसको क्यों ने अभी तक चालू करने का काम किया, आप मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल को क्यों ने चालू करने का, इतने बड़े भारत सरकार का हॉस्पिटल इसको क्यों ने चालू करने का काम किया, अभी तक ऑक्सीजन आपके पास नहीं। आप कह रहे हैं कि 1,94,000 मेट्रिक टन और जो है हमको जो है ऑर्डर कर दिया गया है, तो ऑर्डर कर दिया गया आज से 4 दिन पहले, अभी तक कितने जो है ऑक्सीजन, कितने मेट्रिक टन आ चुका है और किस किस हॉस्पिटल को दे दिया गया है, ये बताने का काम करें कि कहाँ और जिला लेवल पर कहाँ व्यवस्था है, अनुमंडल लेवल पर कहाँ व्यवस्था है, कहीं व्यवस्था नहीं है, सभी जगह चरमराया हुआ, ये सड़ता हुआ नाली का कीड़ा की तरह बजबजा गया है ये सुशासन सरकार, ये सिर्फ जो है ढोल फटा हुआ ढोल बजाने का काम कर रहा है, जिससे कि कोई धुन नहीं निकलने का काम कर रहा है। उस धुन के कारण आज बिहार के 13 करोड़ लोग जो है मौत के गाल उतर रहे हैं। आज घाट पर जाइए तो शमशान घाट पर विनोद जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए, विनोद जी क्या कहना चाहेंगे? लगातार आपके ऊपर विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैंने अभी चर्चा किया, विजय प्रकाश जी भी जानते हैं, पुराने राजनीतिज्ञ हैं, जो संरचना है उसके हिसाब से सरकार ने हर संभव प्रयास किए हैं, बेड भी निश्चित रूप से बढ़ाए गए हैं, चाहे आईजीएमएस में हो, राजेंद्र नगर आई हॉस्पिटल को बनाया गया है, नालंदा मेडिकल कॉलेज में 500 बेड की व्यवस्था की गई है, बिहार में भी 100 बेड किया गया है, लेकिन डॉक्टरों की कमी है, नर्सों की कमी है, डॉक्टर नर्सों की कमी है, उसकी भी बहाली की जा रही है। दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है कि आज डॉक्टर की बहाली कमी आई है तो उसको किया जाएगा। इतने दिनों से कमी, आपको क्वेश्चन मार्क हम करना चाहते हैं विनोद जी हम क्वेश्चन मार्क करना चाहते हैं कि हम लोग आज से 2 साल पहले से आवाज उठा रहे थे कि डॉक्टर की कमी है, 60% डॉक्टर की कमी है, 85% नर्सेज की कमी है, तो आप बहाली क्यों नहीं किए थे? जो आज आप बहाली करना चाहते हैं, आज आप एड निकाल के आनंद फानंद में जो है चोरी डकैती करना चाहते हैं, गलत लोगों को आप बाहर करिएगा, मुंह देकर बाहर करने का काम कीजिएगा। हमारी सरकार ने 7,500 डॉक्टरों की बहाली की है, 11,000 नर्सों की बहाली की है, उससे कमी नहीं है, लेकिन जिस रफ्तार से कोरोना आया, संक्रमण बढ़ा है, उस रफ्तार में हम नहीं तैयार थे, इसमें दो राय नहीं है। हमारा जितना जितना आजादी के बाद से हमारे सीट है वह सीट पूरा फुलफिल है, ये बताइए जो सीट हमारी सरकारी खाली पड़ा हुआ है। पहले आपके शासन काल में ब्लॉक स्तर के हॉस्पिटल बंद हो गए थे, अनुमंडल होते हॉस्पिटल। अरे छोड़िए भाई, हमारे शासन काल को छोड़िए, आप अपने शासन काल में क्या व्यवस्था किया? ब्लॉक और अनुमंडल में हमने डॉक्टर हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाए हैं, सभी जगह डॉक्टर दिए हैं, तो मैंने कहीं डॉक्टर नहीं है,
सवाल आपसे, अगर डॉक्टरों की बहाली हो गई थी तो आज ये समस्या क्यों आ रही है सर? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तस्वीरें कह रही हैं सर कि अस्पतालों से मरीजों को वापस भेजा जा रहा है। वो कोरोना के ख्याल से उतने संख्या कम पड़ रहे हैं और बहाली की जरूरत है, सरकार उसकी व्यवस्था। आप हमें ये बता दीजिए कि जो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना था, डॉक्टरों की जो बहाली सरकारी था, क्या वह पूरा है? उत्पादन गैस का भी हो रहा है, लेकिन आम जनता सहयोग जरूरी है। आप देख रहे हैं पेपर में, समाचारों में, कि आम जनता जाकर के जहां उत्पादन हो रहा है लाइन लगाते रहे, जबरन कब्जा कर रही है, ले रही है, कालाबाजारी भी हो रही है, मानते हैं। तो इसमें आम जनता की सहयोग करना होगा, कालाबाजारियों को पकड़वाना होगा, सरकार को बताना होगा, और निश्चित रूप से किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। जब सब चीज आम जनता ही बताएगा तो आप क्यों सत्ता में बैठे हुए हैं? अरे भैया, तो आप क्यों सत्ता में बैठे हुए जब जनता ही सब कुछ करेगी? जनता जो है आत्मनिर्भर रहे और मरता रहे भारत। हर सामाजिक कार्यकर्ता का फर्ज बनता है कि कमियों को बताए। दीपक की जगह आप लाश जलवाना शुरू कर दिए, थाली की जगह छाती पिटवाना शुरू कर दिए, स्वच्छ भारत के जगह शमशान भारत बना दिए हैं। आप यह जो है कर दिए हैं, नीतीश कुमार जी न किसी को बचाते हैं, न किसी को फंसाते हैं, न किसी को बचाते हैं, न किसी को मारते हैं। कानून अपना काम करेगा। आज वही थाली पिटवाने के कारण जन जागृति आई थी, वही से दिया जलाने। छोड़िए ना, जन जागृत करने से क्या फायदा हुआ? लोग जागृत हो गए थे प्रधानमंत्री के आह्वान पर। विजय प्रकाश जी और विनोद शर्मा जी, आप दोनों से मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, कि ये जो वक्त है, ये जो माहौल है, ये माहौल राजनीति करने का नहीं है सर। ये एक ऐसा माहौल चल रहा है जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि आप भी तस्वीर देख रहे हैं, लोग परेशान हैं, लोग मर रहे हैं सर, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लोग घरों में रहकर अपनी जान नहीं बचा पा रहे हैं सर। ऐसे में राजनीति करने का वक्त नहीं है, वक्त है कि मिलजुल कर काम किया जाए। कोई हम लोग राजनीति नहीं करना चाहते हैं एक सेकंड के लिए। हमें सिर्फ चाहिए कि 13 करोड़ बिहार के मालिकों को कैसे सुरक्षा मिले, कैसे संक्रमण से बचे, इसका उपाय अभी तक बिहार सरकार क्यों नहीं कर पाया? भारत सरकार से अभी तक ऑक्सीजन क्यों नहीं ला पाए? सुशील मोदी जी कौन होते हैं बात करने वाले? नीतीश कुमार जी क्यों नहीं बात करते हैं? इनसे क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी बात करना चाहते हैं? ये सवाल उठता है, ये सवाल उठता है कि बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वह क्यों नहीं जो है भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से बात करने का काम करता है? सुशील मोदी जी 3 न 13 में आते हैं, वह जो है क्यों बात करते हैं? और नीतीश कुमार जी से क्यों नहीं बात करना चाहता है भारत सरकार? हम ये पूछना चाहते हैं, भारत सरकार से डायरेक्ट नीतीश कुमार जी क्यों नहीं बात करते हैं? क्यों नहीं अपनी मांग को रखते हैं? कैसे मुख्यमंत्री और जो है राज्यों में सभी लोग हॉस्पिटल के हॉस्पिटल घूर रहे हैं? हमारे विनोद जी का छोटा सा जवाब आप दीजिए, समय की कमी है हमारे पास। विनोद जी छोटा सा जवाब। देखिए, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री सबके संपर्क में है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई के साथ भी संपर्क में है, और सुशील मोदी जी बिहार के नेता है, राज्यसभा के सांसद है, बिहार के अंग है, इसलिए उन्होंने बात की थी। इससे क्या बिहार सरकार के अंग नहीं है? बिहार सरकार के अंग नहीं है? उन्होंने सहयोग किया है सरकार से, काबिले तारीफ है कि सहयोग करके वो चाहते हैं कि बिहार विपदा से बाहर आवे। वो आप सब जगह राजनीति ना करें विजय प्रकाश जी, क्योंकि अभी राजनीति का समय नहीं है। क्यों ना बात करना चाहते हैं आपके भारत सरकार के मिनिस्टर? हम लोग तो भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बात करना चाहते हैं? या तो नीतीश कुमार जी बात नहीं करना चाहते हैं, या तो जो है प्रधानमंत्री जी बात नहीं करना चाहते हैं? विनोद जी और विजय प्रकाश जी, ये कैसा मौका है जिसमें राजनीति नहीं होनी है सर? यहाँ चिल्ला के अपनी बात को बड़ी रखने का वक्त ये नहीं है। ये वक्त है कि हम आपस में बैठकर पक्ष और विपक्ष सब बैठकर बात करें कि स्थिति को सुधारा कैसे जाए सर। इस वक्त चिल्लाकर अपनी बात को यहाँ रखने से कोई फायदा नहीं है। बेहतर और जरूरी होगा कि मिलजुल कर काम किया जा सके। उसको बताने का काम कर रहा है, उसको दुरुस्त करने का और मजबूती प्रदान करने का काम सत्ता में बैठे लोग, कुर्सी पर बैठे लोग करने का काम करता है। विपक्ष अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है, लेकिन सत्ता में बैठे लोग कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है, जिसके कारण कि आज बस से बदतर स्थिति बजबजाता हुआ बिहार बन चुका है। शमशान घाट जो है में जगह नहीं है, आज जो है कहीं कोई जगह नहीं है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, हॉस्पिटल में मौत पर मौत हो रहा है ऑक्सीजन के बिना।
चलिए विनोद जी, मैं आपका यहाँ पर धन्यवाद करूंगी, आपसे बात हुई, और उम्मीद करूंगी कि आने वाले समय में जो मुख्यमंत्री जी की तरफ से कहा गया है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, लोगों को तमाम सुविधा दी जाएगी, उम्मीद करेंगे कि ऐसा ही हो, क्योंकि हालात बहुत खराब हैं सर, और जरूरत है कि लोगों को वाकई तमाम सुविधाएं यहाँ पर मिलें, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे हैं, लोग मर रहे हैं, अपने घरों में लोग नहीं सही रह पा रहे हैं, अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, और ऑक्सीजन है तो सर सिलेंडर नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आज लोग यहाँ पर बेबस हो गए हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा है सर कि वो जाए कहाँ, वो करे क्या, उनको ऐसी कौन सी चीज, ऐसी कौन सी जगह बताई जाए जहां जाकर वो अपने परिजनों का या अपना इलाज करा पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। साथ ही सर विजय प्रकाश जी, आपका भी मैं यहाँ पर शुक्रिया करूंगी, आप इस चर्चा में जुड़े हमारे साथ, आपने बातचीत की, वाकई एक ऐसा माहौल और एक ऐसा मौका है जिसमें सभी को मिलजुल कर यहाँ काम करने की जरूरत है। इस वक्त जरूरत है कि एक दूसरे का हौसला बढ़ाए, पैनिक ना करें, क्योंकि स्थिति ऐसी है जिसमें हम और आप मिलकर एक दूसरे को पॉजिटिविटी देंगे, तभी शायद इस संकट से निकला जा सके। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए लगातार आपसे कहा जा रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि यही है जिससे आप खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। इसी के साथ वीआईपी न्यूज़ पे मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।